अयोध्या नगरी फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और फैजाबाद लोकसभा की बात की जाए तो तीसरी बार बीजेपी की ओर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में लल्लू सिंह हैं, जिन्होंने दो बार लगातार जीत हासिल की, तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं अवधेश प्रसाद, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर से चुनाव मैदान में है। अवधेश प्रसाद को कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में एक सीनियर लीडर है और अखिलेश यादव के बाद दूसरे नंबर पर है। तो इस बार अयोध्या के लोगों के मन में क्या है, अयोध्या के वोटर्स के मन में क्या है, ये जान लेते हैं, क्योंकि पूरे फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र पर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश की नजर है और फैजाबाद लोकसभा सीट पर बहुत ज्यादा असर अयोध्या के लोग करने वाले हैं, यानी कि अयोध्या के वोटर्स क्या चाहते हैं ये बहुत मायने रखता है फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर। कुछ लोग हमारे साथ अयोध्या के मौजूद हैं। देखिए 2018 से पहले फैजाबाद जिला नाम था, अयोध्या जिला हो गया उसके बाद, लेकिन लोकसभा सीट अब भी फैजाबाद ही है। अयोध्या का बहुत बड़ा रोल है फैजाबाद में, जो अंतर होगा अयोध्या के मन में क्या है सभी जानना चाहते हैं। देखिए, जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, तब से अयोध्या का टूरिज्म बढ़ा है और हमें बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या के लिए विशेष करके काम किया है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि चुनावी दृष्टि से अगर देखें तो कहीं कोई संशय नहीं है। और अभी मैं आपके सुन रहा था आपकी बात को, अवधेश प्रसाद को ही है जो टक्कर दे रहे हैं, कोई टक्कर किसी प्रकार की नहीं है। अयोध्या का टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ का व्यवसाय बढ़ा है, लोगों के मन में बड़ी खुशी है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं अयोध्या में, यहाँ तमाम अवसर बढ़े हैं। इस प्रकार से अयोध्या के सारे लोग, साधु संत, व्यापारी, गृहस्थ, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और अयोध्या चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर बन गई है, राममय हो गई है। विपक्ष का वैसे कहना है कि अयोध्या में जो भी बदलाव हुआ है वह तस्वीरों के लिए हुआ है, ऊपरी बदलाव हुआ है और जो अयोध्या के लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, इसीलिए मैं अयोध्या के लोगों से ही बात कर रही हूँ। राम राम जी, आप अयोध्या के ही हैं, आपका व्यापार है क्या? नहीं नहीं, साधु हैं। आप साधु हैं, अयोध्या के लोगों के मन में क्या है यही हम जानना चाहते हैं। अयोध्या के मन में यही है कि मोदी ही जीतेंगे, लल्लू सिंह जीतेंगे, क्योंकि लल्लू सिंह जो है गरीब के घर चाहे जो हो जरूर आते हैं, ठीक, कोई भी चला जाए, बच्चा चला जाए, फिर भी लल्लू सिंह आते हैं, इसलिए लल्लू सिंह जीतेंगे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ हर छोटे बड़े मौके पर अयोध्या में होते हैं, अयोध्या के दीपोत्सव को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का बना दिया और हर मौके पर वो अयोध्या में होते हैं, लेकिन सांसद कितने एक्टिव है अयोध्या में अपने लोगों के लिए, सांसद से कितनी उम्मीद है, क्या इस बार भी लल्लू सिंह या अवधेश प्रसाद? जय श्री राम। अब की बार नहीं, हमेशा हम तो जानते हैं जब अवध का एक विकास शुरू हुआ 22 तारीख के बाद और हमारे परम आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत का विकास हुआ है, अयोध्या का ही नहीं संपूर्ण भारत का, और सब लोग रोकने का प्रयास किए, विपक्ष बिल्कुल नाकाम है, इसलिए नाकाम है कि यहाँ श्रद्धालु एक नया उमंग मिल गया क्योंकि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और इससे काफ़ी प्रसन्न भी है, क्योंकि इसके लिए ही हम कि आज हमारे जीवन का जो आवश्यकता था, हमारे कितने पूर्वज चले गए, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में देखने को मिला। तो ये तो आपको लग रहा है कि राम मंदिर मुद्दा होने वाला है इलेक्शन में? बिल्कुल मुद्दा होने वाला, सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है और हर अयोध्यावासी तो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ये जितने अखिलेश और राहुल हैं ये सब 4 जून के बाद बेकार हो जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति करती रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राजनीति करने का काम तो विपक्ष ने किया, जब मंदिर की ओर से उनको निमंत्रण मिला उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, कौन कर रहा है राजनीति? वो कुछ भी कहे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है, पूरा देश देख रहा है, जो हिंदू मिलता है वो मुसलमान को भी मिलता है, कहाँ दो देखा जा रहा है, मकान हिंदू को मिला मुसलमान को भी मिला। अच्छा, आप सही बताएंगे, देखिए अयोध्या में अगर आबादी के लिहाज से बात करें तो लगभग 85% हिंदू, 15 मुस्लिम है, 15%, क्या उनको भी नुमाइंदगी वैसे मिल रही है? बिल्कुल कहे नहीं मिल रही है, सबको मकान मिला है, कोई किसी से पूछिए मुसलमान से, जिसके पास मकान नहीं था मकान मिला है। मुस्लिम भाइयों ने राम मंदिर में दर्शन भी किया था पूरे जत्थे के साथ, वो इस फैसले से खुश भी है और मोदी जी के साथ भी है। अच्छा, सिर्फ मंदिर ही बना है अयोध्या के पास,
एक मंदिर है विकास के नाम पर या कुछ और काम भी हुआ है? मुझे लगता है आप लोग मीडिया के लोग हैं, निश्चित रूप से आप प्लेन से आए होंगे। इतना बड़ा एयरपोर्ट और इतना बड़ा रेलवे स्टेशन हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तमाम दावे करते हैं लोग, नेता लोग, वास्तव में मोदी जी ने कहा ना कि मोदी की गारंटी, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और रोज प्लेन उड़ रहे हैं, 16-17 प्लेन रोज उड़ रहे हैं। जिस प्रकार से विकास हो रहा कहीं अछूता नहीं, पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। आपका नाम? जी मेरा नाम प्रेम अग्रहरी है। प्रेम जी आप व्यापार से जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, क्या करते हैं? जी व्यापार से जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि जो यहाँ पर इतना काम हुआ है तो व्यापारियों को नुकसान भी बहुत हुआ है, इस तरह की कोई बात है? अगर समस्या है तो उसका समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए जहाँ पर विकास होता है कहीं ना कहीं व्यापारियों को थोड़ा सा झेलना पड़ता, मगर विकास तभी होगा जब हम एकत्रित होकर, व्यापारी एकत्रित होकर एक सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं। आज व्यापारी खुश हैं क्योंकि पहली बार करोड़ों की संख्या अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आए। आज सारे व्यापारी खुश हो गए जो नाराज थे छोटी छोटी बातों के लेकर, आज उनके व्यापार से इतनी खुशी हो गई है, इससे उनको कहीं ठिकाना ही नहीं रहा। उनको पहली बार ये देखने को मिला कि हाँ आज अयोध्या में देश विदेश के लोग आज आ रहे हैं। आज जैसे माननीय भाई साहब ने कहा कि अयोध्या में टूरिस्ट के नाम पर आप एयरपोर्ट एक भव्य तरीके से रेलवे, आप ये कह रहे हैं कि एयर कनेक्टिविटी सड़क के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी सुधरी है। आपने भी पूछा था कि अयोध्या में राम मंदिर के सिवा और क्या मिला, मैं कहता हूँ कोई बड़ी सिटी के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब आए अयोध्या में। एयरपोर्ट है, ट्रामा सेंटर है, मेडिकल कॉलेज है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, रिक्शा इलेक्ट्रिक है, मतलब कोई ऐसी सुविधा जो बड़े शहर में होनी चाहिए अयोध्या में ना हो, ऐसी कोई सुविधा नहीं रह गई जो मोदी जी ने अयोध्या को ना दे दिया हो। लल्लू जी चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, अभी कल भी हम उनके साथ थे, आर भारत की टीम थी, उनके साथ हम घूमे हैं, पूरी अयोध्या ले गए साथ में। और लल्लू सिंह ऐसे सर्वमान्य नेता हैं कि अगर कोई उनको बुलाता है अपने यहाँ तो स्कूटी से चले आते हैं, गाड़ी नहीं देखते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से अगर लल्लू सिंह को देखा जाए तो उनसे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं, पार्टी देखी जाए तो उस पार्टी से अच्छा कोई नहीं। लोग राम नाम का मुद्दा देते हैं लेकिन राम के लिए यह पूरी देश खड़ा है, पूरी देश की अस्मिता है। 500 सालों से बीजेपी नहीं थी तो क्या राम की राजनीति किसी ने नहीं की? वो जो 500 सालों से राम के लिए मर गए, इस मंदिर मुद्दे से मर गए, वो क्या थे? वो बीजेपी से जुड़े थे। आज लोग जो मुंह छिपाते हैं, विपक्षी पार्टियां एक दूसरे को गाली देती थी, स्वार्थ बस एक हो गए। वो एक बात बताइए कि अवधेश जी वो भी बहुत सीनियर है, 9 बार विधायक रहे, 7 बार मंत्री रहे और अब वो चुनाव मैदान में है, तो लल्लू जी को टक्कर देंगे? कुछ नहीं, अवधेश सिंह माने कुछ नहीं, अवधेश माने कुछ नहीं। अवधेश मंत्री थे, 4 बार रहे चाहे 5 बार रहे, उन्होंने क्या विकास किया अपने क्षेत्र का? अगर उनके गांव को देखें, आप नहीं जानते होंगे, उनका गांव सुरवारी है, मैं बहुत नजदीक से जानता हूं सुरवारी, क्योंकि अयोध्या लोकसभा विधानसभा से मैं जुड़ा हूं कई दिनों से। उनके गाँव के किनारे अभी रोड नहीं है, सिंगल रोड है जिसे गांव में जाती थी। ऐसे मंत्री से क्या मतलब है? एक नाला है उस पर सिंगल पुल है, चारों तरफ से जाने के लिए रास्ता नहीं है। कोई सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है उनके विधानसभा में जहां वो विधायक होते रहे, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा, केवल उन्हें तो नाउम्मीदी की वजह ये भी है कि वो विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन कोई काम अपने लोकसभा क्षेत्र में और अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने किया नहीं। आपका नाम? घनश्याम अग्रहरी। घनश्याम जी ये बताइएगा कि किस तरह का काम चल रहा है, घर परिवार में भी चर्चा होती होगी, आपके घर की महिलाएं वो क्या कह रही हैं? हमारी घर की महिलाएं बहुत खुश हैं, सपा की सरकार हुआ करती थी तो हमारे घर की बहन बेटियां रोड पे जाके शौच करती थी, आज मोदी जी ने वो विकास किया कि हमारी घर की महिलाएं घर में इस लैट्रिन बनवा दिए, मोदी जी गैस कनेक्शन करवा दिए, लाइट। एक बात पहले क्लियर कर दीजिए, चूंकि आपने तिलक भी लगा रखा है तो कहीं दर्शकों को ये ना हो कि आप बीजेपी कहीं पार्टी से तो नहीं है, ये क्लियर कर दीजिए, आप पार्टी से हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, क्या है? मैं व्यापारी हूँ मैडम, मैं व्यापारी हूँ, मेरा दुकान भी यहाँ पे है और मैं सामाजिक भी काम देख रेख करता हूँ। किस चीज़ की दुकान है? कॉस्मेटिक का, प्रसाद का अपना दुकान भी है नया अयोध्या नया घाट पे। ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, जब से मोदी जी का अयोध्या में कदम पड़ा है योगी जी का, तब से चारों तरफ विकास हो रहा है, श्रद्धालु इतना आ रहे हैं अयोध्या में कि हर आदमी अच्छे से कमा खा रहा है, अपना पेट पाल रहा है। और कौन कौन है अयोध्या से? जी आपसे बात कर, आपका नाम? रामजस मांझी नाम है, रामजस मांझी। देखिए तो आपके नाम में ही राम है, तो ये बताइए क्या है मूड, क्या है? बीजेपी जीतेगी, इतना विकास किए हैं, मंदिर बनने के पहले विकास किए, घर घर अल्लाह। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक भी वोट नहीं मिलेगा। जीते एक तरफा जीतोगे, एक तरफा जीते, हमारे पड़ोस में मोदी आए थे,
क्या बात हुई थी, देख पाए आप पास से? मगल में बैठे थे। हाँ। कुछ बात भी हुई? नहीं, बात हमसे नहीं, जिसके घर आए थे वहाँ पर बात हुआ। वहाँ पर चाय पिए, चाय भी पी उन्होंने, मीरा मांझी के घर। मीरा मांझी के घर हम सब ने देखा था। तो इसका मतलब कि जब पीएम वहाँ आए तो लोगों का मन पीएम की तरफ हो गया, या फिर जो यहाँ से आपके सांसद हैं लल्लू सिंह जी उनके साथ जुड़ा है? नहीं, लल्लू सिंह भी विकास कर रहे हैं, मगर पीएम के ऊपर ज़्यादा आक्रोशित है बीजेपी जीते। चलिए, यहाँ कुछ युवा भी हैं, आप आइए, आगे आइए। आप अयोध्या से ही हैं, लल्लू सिंह जी क्यों? लल्लू जी इसलिए क्योंकि वो बहुत पूर्व से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और कर्मठ कार्यकर्ता रहे, और विकास के मामले में भी लल्लू जी। आप खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लल्लू सिंह का ही नाम लेंगे, ऐसा कुछ प्रचारक जी भी हैं। अच्छा, काम ठीक चल रहा प्रचार का? हाँ, चाहे अयोध्या विकास प्राधिकरण का काम रहा हो, चाहे अयोध्या से बाहर का काम रहा हो, PWD विभाग में सड़कों का काम रहा हो, फिर जो इंटरलॉकिंग शहरी विकास के लिए काम, तो बराबर लोकल आप लोग काम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं पार्टी को। चलिए हम निवासियों से बात करते हैं, निवासियों से बात करना ज्यादा जरूरी है। आप कहाँ से सर? लखीसराय से। लखीसराय से आए हैं, अयोध्या आए हैं, आपको क्या दिखा अयोध्या में? हमको बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, यहाँ का जो है सो सरजुग घाट हमको बहुत अच्छा लग रहा है, नया घाट बढ़िया लग रहा है, स्वच्छता बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ के मूल निवासी का भी भाषा हमको अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छी बात है कि आपका अनुभव अच्छा है। आपसे आखिर में एक और सवाल करूंगी, अगर फिर से लल्लू सिंह जी ही जीतते हैं, आपके बीच वो आते हैं, तो आप लोगों ने कुछ डिमांड भी रखी होगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो भी अयोध्या की ज़रूरतें थी, अयोध्या की मर्यादा के अनुकूल लगभग बहुत से काम हो चुके हैं। आप रोड देख लीजिए, नालियाँ देख लीजिए, शहर देख लीजिए, रेलिंग देख लीजिए, गेट देख लीजिए, जहाँ आप खड़े हैं लता मंगेशकर जी के नाम से ये चौराहा बना हुआ, इतना सुंदर चौराहा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिले का नाम तो फैजाबाद से अयोध्या कर दिया, लोकसभा सीट का नाम नहीं बदल पाए। लेकिन निश्चित बात है, ये ऊंचे स्तर की बात है, उस पर भी जरूर कुछ काम चल रहा होगा, जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, किस समय पे क्या करना, वो होगा वो भी। अच्छा, एक और सवाल लोग कर रहे हैं कि फैजाबाद जिले में अयोध्या नगरी का अस्तित्व तो था, लेकिन जब अयोध्या जिला हो गया तो क्या फैजाबाद का अस्तित्व बचेगा? बिल्कुल बिल्कुल बचेगा, पर फैजाबाद शब्द का अस्तित्व भले ना बचे। फैजाबाद शब्द का अस्तित्व भले ना बचे, लेकिन फैजाबाद यानी कि जो आत्मा है वो बची रहेगी, और यहाँ पर सभी मिलकर हैं। आपने अयोध्या के लोगों के मन की बात जानी, मैं अपनी जुबान से क्या कहूँ, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं, उनकी भावनाएं आपके सामने हैं। तो अयोध्या में, फैजाबाद में 5वें चरण में मतदान होना है, अयोध्या के लोगों का मूड आप देख ही रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड से अयोध्या के लिए।